जबलपुर पुलिस ने श्री शांतिनाथ दिगंबर जैन मंदिर में हुई सनसनीखेज नकबजनी का खुलासा किया है। वहीं एक आरोपी को गिरफ्तार कर चुराई हुई अष्ट धातु की दो मूर्तियां तथा तीन अन्य दान पेटियां जब्त की हैं। आइए देखते हैं पूरी खबर जबलपुर से। उससे जब पूछताछ हुई तो उसने घटना को अपने तीन अन्य आरोप अन्य साथियों के साथ करना स्वीकारा। और इसमें जो अन्य संतोष केवट की गिरफ्तारी हो चुकी है और उससे दो मूर्तियां और तीन दान पत्र जो है बरामद हुए हैं। और इसमें अभी तीन अन्य आरोपी हैं जो अभी फरार हैं, जिसमें मोहम्मद अकील जो तिलवाड़ा में निवास करता है, अजय गौड़ जो कि उज्जैन का है, और कल्लू जो कि गाडरवाड़ा नरसिंहपुर का है। इनके लिए भी अभी हमारी टीम्स लगी हुई हैं। मेन जो चीज़ें चोरी गई थी उसमें से मैक्सिमम जो है रिकवरी हो चुकी है। इसमें थाना प्रभारी माड़ताल की उल्लेखनीय भूमिका रही है, और जो निरीक्षक होते हैं माड़ताल के, और साथ ही साथ जो भी पूरा स्टाफ है थाना माड़ताल का, उन्होंने लगातार मेहनत करके काफ़ी कम समय में इसको डिटेक्ट किया है। तो पूरी घटना को किस प्रकार अंजाम दिया था लोगों ने? इसमें चूंकि ये दो आरोपी जो हैं इस प्रकरण के, संतोष केवट और मोहम्मद अकील, इन्होंने 2022 में इसी क्षेत्र में एक और घटना को अंजाम दिया था, वो भी बड़ी चोरी थी जो कि डिटेक्ट हुई थी। तो इनको ये उस क्षेत्र से अच्छे से जो है वाकिफ थे, तो इसी तरीके से इन्होंने इस घटना को भी अंजाम दिया था। उसी संदेह के सिलसिले में इनसे पूछताछ थी, जिसमें जो है ये डिटेक्शन हुआ है। मंदिर से अभी क्या क्या चुराए हुए थे, क्या क्या जब्त हुए? इसमें दो जो मूर्तियां हैं वो जब्त हुई हैं और तीन दान पात्र जब्त हुए हैं। कुल मशरूम का कितना? कुल मशरूम के की, चूंकि ये अष्ट धातु की कीमत तो नहीं, क्योंकि अष्ट धातु की जो मूर्तियां उनकी जो बताते हैं कि कीमत नहीं आंकी जा सकती है, और मूर्तियां जो है भगवान की वो तो अमूल्य होती हैं, तो इसीलिए आई थिंक कीमत बताना चाहिए। दान पात्र में जो रकम, दान पात्र में लगभग 70-80 हज़ार रकम थी जो भी रकम होगी। आपको जैन समुदाय के लोग भी कंट्रोल में आए थे, क्या कर सकते? जो अध्यक्ष जी हैं उन्होंने हमें समय रहते जो है सूचना दी, और पूरा भरोसा जो है पुलिस पर रखा उन्होंने, जो भी तीन चार दिन डिटेक्टिव में लगे, इसके लिए हम उनका भी धन्यवाद देना चाहेंगे। और उनकी उनका पूरा कोऑपरेशन और सहयोग है मेरा पूरे डिटेक्शन के समय में। प्रतिमा के रूप में मूर्ति जिनको अपन कहते हैं, यह मंदिर से चोरी हुई छत्र और दान पेटियां, इसकी सूचना जैसे ही समाज के अन्य संस्थानों को, संगठनों को, मंदिरों को पता चला, तो जैन समाज की सर्वोच्च संस्था पंचायत सभा सक्रिय हुई नक्षत्र नगर जैन समाज के साथ, और भी अन्य मंदिरों के पदाधिकारी इसमें आगे हुए। माननीय विधायक अभिलाष जी पांडे सक्रिय हुए, माननीय प्रांत प्रचारक जी ने इसमें सक्रियता दिखाई, और प्रशासनिक रूप से पुलिस प्रशासन आदरणीय एसपी श्रीमान आदित्य सिंह जी ने पूर्ण निष्ठा और रुचि के साथ अपनी धर्म परायणता से इसमें अग्रणी रूप से अपनी भूमिका का निर्वाह किया। इसके बाद नीचे की पूरी टीम, चाहे वह सीएसपी हो, चाहे एडिशनल एसपी हो, और चाहे टीआई श्रीमान विपिन जी ताम्रकार, जब वो मंदिर गए तो वहां पर वचन दे के आए थे कि हम शीघ्रता से, आप लोग निश्चिंत रहिए, चोर को खोज निकालेंगे और मूर्ति पुनः मंदिर में स्थापित करके और हम चैन लेंगे। और उनने अपनी भूमिका का निर्वाह पूरी टीम के साथ थाना माड़ोताल ने निर्वाह किया। इन सब ने जो सहयोग दिया, कुछ चीजें रह गई हैं वो और मिल जाएंगी, छत्र आदि जो रह गए हैं उसमें भी सक्रिय रूप से लगे हैं, सबको बहुत बहुत धन्यवाद, चाहे जनप्रतिनिधि हो और चाहे प्रशासनिक अधिकारी हो
और चाहे हमारी समाज के गणमान्य प्रतिनिधि हों जो समाज सेवा में संलग्न हैं, आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद। संजय कुमार जैन, पंच पंचायत सभा।